नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। आज हम समझेंगे हाउ टू ड्रॉ करेक्ट ट्रेंड लाइन। अक्सर लोगों को लगता है कि वो ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बट फिर भी उनको शिकायत रहती है कि ट्रेंड लाइन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, और अगर आपको यकीन है कि आप सही बनाते हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और चेक करें कि हाँ, आप एक्चुअल में सही बनाते हैं। मैं पिछले 10 सालों से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूं और लगभग 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने ट्रेन किए हैं, और काफ़ी सारे ट्रेडर्स से मैं मिलता हूं। और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो नए ट्रेडर्स हैं मार्केट में या कई सारे पुराने ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेंड लाइन बनाने में गलतियां करते हैं या ट्रेंड लाइन को बहुत ही लाइटली लेते हैं, जबकि ट्रेंड लाइन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप इसको सही से यूज़ करें तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो पहले कुछ मिथ है ट्रेंड लाइन के बारे में जिसको हमें दूर करना चाहिए। पहला तो ये कि यदि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो आगे भी ये अप ट्रेंड में ही रहेगा या आगे भी ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, यानी कि प्राइस जो पुराना ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से हमेशा चलेगा। ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार जो प्राइस अप ट्रेंड में होती है वो डाउन ट्रेंड में चालू हो जाती है, जो सालों से अप ट्रेंड में है वो भी डाउन ट्रेंड में आ जाती है। तो हमेशा सेम ट्रेंड चलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई भी आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, यानी कि आपने दो लो या तीन लो कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बना दी, अप ट्रेंड बना दिया, अरे वाह जी अप ट्रेंड बन रहा है, बाय कर लेते हैं क्योंकि अप ट्रेंड में है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइस अप ट्रेंड में है तो अप ही जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि प्राइस ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यह निश्चित रूप से यानी कि गारंटेड नीचे गिर जाएगा, ना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा नीचे आए और वापस ऊपर चला जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो कई बार ऐसा आप देखो कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है और वापस से उसी ट्रेंड में घूम आता है, जो ब्रेकआउट हुआ था वो फॉल सिग्नल था। तो इस बात की गारंटी नहीं है कि प्राइस अगर ट्रेंड ब्रेक करता है तो वो निश्चित रूप से गिरेगा या निश्चित रूप से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो मिथ है इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको बताने की कि ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली बनता कैसे है, कहां कहां पे आप गलती कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, और एग्जैक्टली अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड होता क्या है, इन सब बातों को हम समझेंगे। और मैंने काफ़ी सारे कोशिश करी है एग्जांपल्स लेने की, जैसे निफ्टी की, यूरो डॉलर की, और भी कई सारे एग्जांपल्स लेने की कोशिश करी है ताकि आप सही से ट्रेंड लाइन बना सके। सो बिफोर यू लर्न हाउ टू मेक ट्रेंड लाइन, लेट्स चेक आउट कि जो अभी आप ट्रेंड लाइन बना रहे हैं वो आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो आपको मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इस एग्जाम्पल में बताएं कि ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली कौन सी वाली सही है। तो ये वाली ट्रेंड लाइन सही है या फिर ये वाली ट्रेंड लाइन सही है दो नंबर की, या ये तीन नंबर वाली ट्रेंड लाइन सही है, या फिर ये चार नंबर वाली ट्रेंड लाइन सही है, या फिर ये पाँच नंबर वाली ट्रेंड लाइन सही है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, कमेंट बॉक्स में डालें, और बाद में इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपको लास्ट में मैं इसका रिजल्ट बताने वाला हूं कि कौन सी ट्रेंड लाइन सही है और क्यों सही है, और अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। ये निफ्टी का ही चार्ट है, बट ये जो है हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म में है। तो पिछला जो चार्ट लिया था वो हमने सितंबर टू नवंबर का लिया था, और ये जो चार्ट है हम 2013 से लेके 2019 तक का ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए, एग्जांपल टू में मैंने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ट्रेंड लाइन वन, ट्रेंड लाइन टू, ट्रेंड लाइन थ्री, ट्रेंड लाइन फोर। तो आप मुझे ये बताएं, एक और सेट ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन फाइव। तो आप ये बताएं कि ट्रेंड लाइन वन सही है, ट्रेंड लाइन टू सही है, ट्रेंड लाइन थ्री सही है, ट्रेंड लाइन फोर सही है, या फिर जो ट्रेंड लाइन फाइव है ये सही है। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूज नहीं हुए, आप सही बना रहे सब जगह, दिस रियली गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू।
आप सही ट्रैक पे हैं। बट अगर आप गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, चीज़ों को समझें। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई यार ये बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, मेरे को सब आता है, देखो अगर आपका कप पहले से भरा हुआ है ना, दुनिया का कोई भी आदमी उसमें ज्ञान नहीं डाल सकता। और अगर आप थोड़ा कप खाली करके आओ, फिर आप मैं जो उस कप में ज्ञान डाल रहा हूँ आपके, और फिर टेस्ट करो कि भाई पहले वाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा था या अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हर एनालिसिस का एक लॉजिक है टेक्निक एनालिसिस में, कोई भी चीज़ रट्टी नहीं जाती। पर एक समस्या क्या हो गई है आज की डेट में कि हर कोई टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियोस बना रहा है, डाल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, वो चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा है। दे आर जस्ट गिविंग यू सरफेस नॉलेज अबव सरफेस, कि ऊपर ऊपर से वो आपको बता रहे हैं। तो कोशिश कीजिए मेरे साथ रहने की, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं आपको आगे तक लेके चलूँगा। देखिए बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है अक्सर कि भाई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, मेरे अच्छे खासे रुपए डूब जाते हैं। यार पंगा ये है कि YouTube पे जितनी भी वीडियोस हैं ये सारी फ्री की वीडियोस हैं। यहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं वो कोशिश करते हैं आपको बताने कि क्या है कैसे है, बट वो एग्जैक्टली ट्रेडिंग का तरीका आपको नहीं बता रहे हैं। और अगर वो बता भी रहे हैं तो शायद आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक्यूरेसी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। जब तक आपकी एक्यूरेसी 60-70% नहीं आ जाती तब तक आपको ट्रेड नहीं मारना चाहिए, ठीक है। एनीवेज सो स्टे विथ मी, आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ इट एग्जैक्टली। अब ये यूरो यूएसडी का चार्ट मैंने लिया है, डाउन ट्रेंड का है, एक और एग्जांपल है। तो हमारे पास ये एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, क्या ये सही है, या फिर ये वाला डाउन ट्रेंड सही है दो नंबर वाला, या फिर ये वाला ट्रेंड लाइन सही है तीन नंबर वाला, या फिर एक और ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने ये चार नंबर वाली, ये वाली ट्रेंड लाइन सही है एग्जाम्पल थ्री में, ठीक है। तो इसको आप नोट करके रखें, कमेंट बॉक्स में डालें और फिर दोबारा चेक करिए इसी वीडियो में। एग्जाम्पल फोर ना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए ये एक ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, प्राइस ट्रेंड लाइन पे दो बार बाउंस करके ऊपर गया है, ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखें तो ये भी एक अप ट्रेंड है। तो एक ही चार्ट पे दो अप ट्रेंड हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ऐसा संभव है कि पहला जो ट्रेंड है ब्लैक कलर का दो नंबर का, प्राइस वहां से तोड़ के नीचे चला जाए और जो ट्रेंड नंबर वन है वहां से बाउंस कर जाए। ऐसा भी संभव है कि ट्रेंड टू से ही वो बाउंस कर जाए। मैं एक और इलस्ट्रेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां पे एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है जहां पे प्राइस दो बार सपोर्ट पे बाउंस करके ऊपर गया है, और इसके बाद आप देखोगे कि जो प्राइस तोड़ के ब्रेक करके नीचे आया, ठीक है, यहां पे ब्रेक करके नीचे आया और वापस से एक नया सपोर्ट बना करके ट्रेंड लाइन डायगोनल सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर चला गया, और जो पहला हमारा ट्रेंड लाइन था रेड वाला इसको एज अ रेजिस्टेंस हिट कर रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है। तो जो ट्रेंड लाइन पहले हमारा सपोर्ट थी अप ट्रेंड में, वही ट्रेंड लाइन अब हमारा रेजिस्टेंस है अप ट्रेंड में। तो ट्रेंड लाइन कैन बी सपोर्ट एंड कैन बी रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी, ठीक है। एनीवेज बट हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा दोनों ही ट्रेंड अप ट्रेंड है, और पहले वाला ट्रेंड हमारा जो था वो भी अप था, दूसरा वाला ट्रेंड है वो भी अप है, बट ट्रेंड में थोड़ा सा शिफ्ट आया है। चलिए तो अभी समझते हैं पहले से कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए ट्रेंड लाइन इज अ लाइन ड्रॉन ओवर पीवट हाई और अंडर पीवट लो टू शो द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ प्राइस। तो पहली बात क्या बोला, पीवट हाई और पीवट लो। पीवट हाई या क्या लोते हैं, जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है या एक ट्रेंड में हाई बनता है, छोटे छोटे हाईज बनते हैं, हायर हाई या लोअर लोज बनते हैं, उनको हम पीवट्स बोलते हैं। यानी कि जहां से प्राइस घूम रहा होता है वो जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको हम पीवट बोलते हैं। तो नॉर्मली पीवट्स को हम कनेक्ट करते हैं और ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो कौन सा पीवट को कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग जो पुराने पीवट्स हैं। तो क्या कहता है ये कि ट्रेंड लाइन इज अ लाइन ड्रॉन ओवर पीवट हाई और अंडर पीवट लो टू शो द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ द प्राइस। यानी कि कौन सा डायरेक्शन, प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग मतलब एग्जिस्टिंग, कौन सा, पुराना। यानी कि जो ट्रेंड हमारा पहले से चला आ रहा है उसको पता करना है तो हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में कहीं भी नहीं लिखा कि जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है प्राइस उसी को फॉलो करेगा। कर सकता है, अगर कर सकता है तो उस पर ट्रेड कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा।
बट ये माइंड सेट लेके मत चलिए कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमेशा रहेगा और प्राइस उसके ऊपर अगली बार भी बाउंस करेगा, इसके दो बार भी बाउंस करेगा, या कम से कम एक बार भी बाउंस करेगा। नहीं 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 एक बार की भी गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी रहती है। और सच बोलूं तो अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ी सी अलग है, या गलत बोल रहा हूँ, या फिर जो है ये सब तो मेरे को पता है, तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बोलूंगा कि इस चैनल पे रहिए, सारी वीडियोस देखिए, गौर से देखिए, क्योंकि कई सारे मिसकंसेप्शन हैं आपके ट्रेड के ऊपर में, ट्रेंड लाइन के ऊपर में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, वो सारे के सारे दूर होने वाले हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को लोगों ने फोरकास्टिंग का टूल बनाया हुआ है। और हर तीसरा आदमी पूछता है मेरे से कि सर आपको कल निफ्टी कहाँ लग रही है, क्या आपको नहीं लगता, आपसे आपके दोस्त बोलते हैं अरे भाई निफ्टी को कहाँ लेके जा रहे हो, बाजार को कहाँ लेके जा रहे हो। अरे भाई कौन बता सकता है बाजार को कहाँ लेके जा रहे हैं, बोले नहीं सर ऐसे टेक्निक होती है, इतना पुट कॉल रेशियो हो जाता है तो हम बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी। नॉट पॉसिबल, टेल यू व्हाई, बिकॉज प्राइस इज अ परसेप्शन। चाय 10 रुपए की भी मिलती है, उसको खरीदने वाले लोग भी हैं, चाय 100 रुपए की भी मिलती है CCD में, उसको खरीदने वाले लोग भी हैं, चाय 300 रुपए की भी मिलती है 5-स्टार में, उसको खरीदने वाले लोग भी हैं, चाय 1000 रुपए की भी मिलती है वेगास में, उसको खरीदने वाले भी लोग हैं। तो हर प्राइस लेवल पे एक बायर खरीदने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। सो प्राइस इज जस्ट अ परसेप्शन। तो ये कहना कि किसी खास लेवल पे जो है प्राइस घूम जाएगा पक्का है, ये फॉर्मूला है इसका, नहीं 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 ऐसा नहीं संभव है, ठीक है। ना ही वो कॉल पुट को देख के आप बता सकते हैं, ना ही ट्रेंड लाइन को देख के बता सकते हैं, ना ही किसी इंडिकेटर को देखवा सकते हैं कि प्राइस कहाँ जाएगा। बट आप ये बता सकते हैं जरूर कि आज इसको खरीदा जा सकता है या नहीं, क्या आज इसको बेचा जा सकता है या नहीं, ये आप बता सकते हैं। कहाँ जाएगा भविष्य में, इसके लिए कोई फोरकास्टिंग मॉडल नहीं है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन अगर आप रन करते हैं तो वो भी आपको 4-5 रिजल्ट देगा, ट्रीज देगा, वो भी आपको 4-5 पाथ देगा, वो भी आपको नहीं बताएगा कहाँ पे। हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, इज नो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड। देन द ट्रेंड लाइन रिप्रेजेंट्स वी यू नो डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन एनी टाइम फ्रेम, यानी कि ट्रेंड लाइन आपको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है। जैसे स्ट्रेट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वैसे डायगोनल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्राइस हिट करके नीचे आती है, इसी तरह से सपोर्ट बना करके भी ऊपर जाती है। तो प्राइस हमारा ऊपर या नीचे जा सकता है। इसके अलावा इट शोज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्राइस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स पैटर्न्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन। देखिए तो ट्रेंड लाइन ये भी बताता है कि ग्रोथ कितनी है, फास्ट है स्लो है, यानी कि कितने स्पीड से प्राइस बढ़ रहा है। ये आपको कई तरह के पैटर्न्स भी बताता है जिससे आप ये पता सकते हैं कि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट है या बेरिश सेंटिमेंट है, ठीक है। तो कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, देखिए अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज ट्रेंड होता है, ये सारी दुनिया को पता है। ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए क्या नॉर्मली थंब रूल्स हैं, देखिए ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस के साथ समय के साथ समझ में आती हैं, बट मैं कुछ एक थंब रूल आपको दे सकता हूँ, ठीक है, और एक्सपीरियंस के साथ आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, यानी कि सबसे पहले लंबा ट्रेंड बनाए किसी भी ट्रेंड लाइन पे, देन शिफ्ट टू अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो जैसे जैसे हमारे पास नए लेवल्स बनते हैं, लोअर लोज या हायर लोज यू नो बनते हैं, उस हिसाब से अपने ट्रेंड को हम शिफ्ट करते जाएं। तो कैसे करते हैं ये मैं समझाऊंगा आपको एक एग्जांपल के साथ अभी। दूसरा, ट्राई टू कनेक्ट मैक्सिमम पिवट पॉइंट, कोशिश कीजिए वो ट्रेंड लाइन बनाने की जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोज कनेक्ट हो रहे हो या सबसे ज़्यादा हाईज कनेक्ट हो रहे हैं डाउन ट्रेंड में। एवरेज आउट एक्स्ट्रा यू नो डिविएटेड पॉइंट्स, तो जो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं पीवर्ट्स के जो कि डिविएटेड होते हैं जो पाथ होती है ट्रेंड की उससे, तो उसको आप एवरेज आउट करें। लुक ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, ठीक है, कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड को चार्ट में देखिए और उसी चार्ट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहाँ पर बन रहा है उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। एंड ट्रेड ऑन आइदर ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स, ठीक है, इस बात की गारंटी नहीं है कि ब्रेकआउट के बाद ऊपर ही जाएगा, बट उसको ट्रेड कर सकते हैं विच हाई पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कि ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड रिमेंबर टेक्निकल एनालिसिस का एक रूल है जिसको बोलते हैं नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, ठीक है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं।
कैसे ट्रेड करेंगे ये बताऊंगा मैं। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, क्या कहते हैं, चार्ट है, और चार्ट के ऊपर हमारा ये जो मैंने ट्रेंड बनाया है ये एक अप ट्रेंड है। और नॉर्मली ट्रेंड हमारा बहुत लंबे समय का भी होता है, उसको हम मेजर ट्रेंड बोलते हैं या कुछ लोग उसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोलते हैं। मैंने एक नया वर्ड कॉइन किया है, वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिछले 2013 से ये चल रहा है, 6-7 सालों से। बट इसी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में एक और लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है। दैट इज़ अ डाउन ट्रेंड हियर बिटवीन 2015 to 2016 मिड। तो ये हमारा जो है डाउन ट्रेंड था, ये भी लॉन्ग टर्म ही है। तो कौन सा होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड? नॉर्मली एक साल या उससे ज़्यादा जिस पे प्राइस फॉलो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में प्राइस बढ़ रहा है, वो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। बट इसी मेजर ट्रेंड में इसको हम माइनर ट्रेंड बोल सकते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म मेजर ट्रेंड है, जिसमें ये माइनर ट्रेंड हमारा शॉर्ट टर्म है जो एक साल तक रहा, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लोगों को गलत फहमी होती है कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म में ये है तो ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। नहीं, ड्यूरेशन जो होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड का, एक साल या उससे ज़्यादा होता है। तो अगर एक साल से ज़्यादा है तो 2015 से लेके 16 तक इसमें हमारी निफ्टी एक लॉन्ग डाउन टर्म ट्रेंड में थी, जो वापस से वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड या मेजर ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। इसी तरह से चार्ट पे हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा जो है लगभग 2 से 3 महीने का यहाँ पे है, या 5 से 6 महीने का है, ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। इसी शॉर्ट टर्म ट्रेंड को हम लोग करेक्शंस भी बोलते हैं, प्राइस या रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। और अक्सर लोग धोखा खाते हैं, वो शॉर्ट सेल करते हैं और प्राइस वापस घूम जाता है। वो करेक्शन होती है, ना कि डाउन टर्म ट्रेंड होता है। तो करेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। इनफैक्ट एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो भी मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेक करें। अदरवाइज आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है ये भी मैं डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो हमारे पास ये एक डाउन ट्रेंड है, ये मैंने उसी निफ्टी का पिछले सितंबर से लेकर नवंबर तक का चार्ट लिया है, जो मैंने पहले भी लिया था। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, इसी तरह से ये हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ठीक है, जो कि हमारा सितंबर से लेकर नवंबर तक का है। तो मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों को फॉलो कर रहा हूँ। और ये भी हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, बहुत ही नियर का शॉर्ट टर्म ट्रेंड, सो नियरेस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेंड। हमेशा ट्रेडिंग के लिए जो नियरेस्ट ट्रेंड होता है उसको हम यूज करते हैं। अच्छा, बनाया कैसे हमने? तो ये जो लॉन्ग टर्म है इसका मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक पीवट है, ये दूसरा पीवट है, तीसरा पीवट है, चौथा पीवट है, ये पाँचवा पीवट है, ठीक है। और मैंने इसको कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया? मैंने सबसे पहला वाला पीवट लिया, मैंने सबसे लास्ट वाला लिया, और ये वाला भी लिया, ये चारों को कंसीडर किया। तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर मैक्सिमम जो बाउंस बैक है वो ये वाले पे है, यहाँ पे बहुत काफ़ी क्लोज है, और यहाँ पे है, और ये दोनों थोड़ा सा बाहर चले गए। तो मैंने इसको एवरेज आउट किया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये बाहर गया और वापस से इसी ट्रेंड में आ गया, तो मैंने इसको एवरेज आउट किया। तो मैंने आपको बोला था कि आप जिस लेवल पे प्राइस सबसे ज़्यादा फॉल करे और बाउंस बैक करे, वो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, सबसे बेटर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और इसके लिए आपको अगर पीवट्स को एवरेज करना पड़े तो आप एवरेज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आई ड्रॉ अ वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑन द चार्ट, ठीक है। तो आगे जो हम हैं, पुराने एग्जांपल्स हमने लिए थे उसमें चेक करते हैं कि आपने जो आंसर दिए थे वो सही थे या गलत थे। तो इस चीज़ को अब टाइम है चेक करने का, ठीक है। तो हमने जो एग्जांपल लिए थे, एग्जांपल वन में हमने ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी ट्रेंड वन, ये हमने बनाई थी ट्रेंड टू, ये हमने बनाई थी ट्रेंड थ्री, और ये हमने बनाया था ट्रेंड फोर, और फिर हमारे सब ट्रेंड फाइव। तो यहाँ पे ट्रेंड थी गलत है, क्योंकि जब हम अप ट्रेंड बनाते हैं तो हमें हाइयर लोस को कनेक्ट करना चाहिए, जैसे कि ये वाला लो या ये लो, इसके बाद ये वाला लो, तो हाइयर लोस को हमें कनेक्ट करना चाहिए, तो हाइयर हाइज को नहीं कनेक्ट करना चाहिए। तो ये ट्रेंड थ्री हमारा अप ट्रेंड नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप चैनल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें एज अ रेजिस्टेंस इसको आप बना सकते हैं, बट ये अप ट्रेंड के लिए यूज़ नहीं होगा, लोस कनेक्ट होते हैं। दूसरा, हमारा ट्रेंड वन जो है इसका काम हो चुका है ऑलरेडी, ये प्राइस ऊपर गया था, ब्रेकआउट हो गया, अब प्राइस का ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, ये थोड़ा सा शैलो हो गई है प्राइस, पहले शार्पर ट्रेंड था अब थोड़ा शैलो हो गया, तो इसका काम खत्म हो गया। ट्रेंड टू जो है हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा ट्रेंड टू यहाँ से चालू हुआ और यहाँ से फिर ख़त्म हो गया है, बट ट्रेंड फोर हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं ट्रेंड फोर को कंसिडर करूँगा और ट्रेंड फाइव को कंसिडर करूँगा, यानी कि दोनों ही ट्रेंड को कंसिडर करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड फोर और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड फाइव,
और अच्छी बात यह है कि दोनों ही अप ट्रेंड में हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में 5 और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में 4, तो 4 एंड 5 अगर आपने सेलेक्ट किया है तो सही है। इसी तरह मैं अगर इसकी बात करूं तो देखिए, मैंने जो एग्जांपल दिया था, मैंने ये बोला था कि जैसे जैसे हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करते जाते हैं। तो कैसे करते हैं समझिए, पहले हमारे पास ये दोनों लोस थे, ये लो और ये लो। तो किसी भी ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 लोस चाहिए आपको। अगर 2 लोस नहीं है तो आप ट्रेंड लाइन नहीं बना पाएंगे। तो हमने इन दोनों लोस को कनेक्ट किया और ट्रेंड लाइन बना दी। इसी तरह जब हमारे पास एक नया लो आया, ये वाली इन्फॉर्मेशन, तो हमने इन दोनों को कनेक्ट किया और एक और ट्रेंड लाइन बना दी। फिर हमारे पास एक नया लो और आया, तो हमने इस दोनों को कनेक्ट किया और आगे ट्रेंड लाइन बना दी। और क्लासिक बात यह है कि प्राइस काफ़ी नज़दीक आया इसके और ऊपर चला गया, और इनफैक्ट बाद में यहाँ से बाउंस कर गया। तो जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट करके बनाई थी, उसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस यहाँ से बाउंस कर रहा है निफ्टी का, ठीक है। और अगर हम देखें चौथी वाली, तो ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये हमारी नियरेस्ट ट्रेंड लाइन है। तो शॉर्ट टर्म में देखें तो ये हमारा अभी अप ट्रेंड निफ्टी का प्रिवेलिंग है। पिछले जो हमने इमेज देखी थी उसमें हमने जूम करके बताया था नवंबर सितंबर से लेकर अभी तक का, उसमें भी ये वाली अप ट्रेंड हमने बनाई थी, यहाँ पे भी हमने बनाया। तो अभी जो हम ट्रेड करेंगे वो इसी ट्रेंड के ऊपर करेंगे, या फिर हम ये जो ट्रेंड 3 है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बोला कि हम एवरेज आउट करके ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे 5वीं ट्रेंड लाइन बनाई है, ये मैंने एवरेज आउट किया है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट लगातार कनेक्ट किए हैं और 2 पॉइंट को एवरेज आउट किया है, तो मेरा ट्रेंड लाइन बन गया। सो नॉर्मली ट्रेंड लाइन 3 और ट्रेंड लाइन 5 ये दोनों लगभग सेम पाथ पे हैं, और ट्रेंड लाइन 4 हमारा नियरेस्ट ट्रेंड लाइन है, यानी कि अभी का जो करंट ट्रेंड लाइन चल रही है वो है। तो अगेन हमारा 5 एंड 4 हमारा सही आंसर होगा एग्जाम्पल 2 में। अगर आप 3 एंड 4 यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 3 में अगर हम बात करें तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसका काम हमारा हो गया है, ट्रेंड लाइन 1 का, क्योंकि हमारा ये ब्रेकआउट हो गया, प्राइस ऊपर चला गया और थोड़ा सा शैलो हो गया। यहाँ पे पहले ट्रेंड लाइन हमारी शार्प थी, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही थी, यानी कि जो स्पीड थी प्राइस की वो ज़्यादा थी। इनफैक्ट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पीड थी, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो ये थोड़ा सा शैलो था। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन हमारा बना, यहाँ पे 1.234 चार बार हमारा कनेक्ट हुआ, ये 5वां काफ़ी नज़दीक था इसके, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और ट्रेंड लाइन 2। और इसके बाद हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन मेरा 3 वाला, इसका भी हमारा काम हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह हिट कर रहा था, 1, 2, 3 यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे इसको सपोर्ट की तरह ये यूज़ करने लग गया, और यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है, फाइनली ये ब्रेकआउट हो गया। तो यानी कि ट्रेंड लाइन 3 का भी काम हो गया, ब्रेकआउट हो गया प्राइस, और प्राइस वापस से शिफ्ट कर गया नए ट्रेंड में, और ट्रेंड लाइन 4 हमारे पास है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन 2 और ट्रेंड लाइन 4 इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन 2 को इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और काफ़ी अच्छी ट्रेंड है और प्राइस नियर अभी इस ट्रेंड के काफ़ी पास चल रहा है। ट्रेंड 4 को हम इसलिए कर रहे हैं कि ट्रेंड 4 अभी हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ है, हमने ये वाला हाई लिया, ये वाला हाई लिया, इन दोनों को कनेक्ट किया, ये तीसरा हाई भी इसके ऊपर है, चौथा हाई भी इसी के ऊपर है, ये वाला एवरेज आउट हुआ है और ये 5वां हाई भी इसी के ऊपर है। तो ट्रेंड 4 इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। तो अगर आपका 2 एंड 4 है तो ये काफ़ी अच्छा है, सही है। तो ये आपका रिजल्ट है एग्जाम्पल 1 में 4 एंड 5, एग्जाम्पल 2 में 2 एंड 5, एंड एग्जाम्पल 3 में 2 एंड 4। नाउ इफ रियली वॉन्ट टू लर्न द लाइव एप्लीकेशन, यू कैन परचेज आर कंप्लीट प्रीमियम स्टडी पैक। आई विल टेल यू जस्ट टू हैव अ लुक एट दैट। मैंने आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी सारी केस स्टडीज हैं, काफ़ी सारे पैटर्न्स, इंडिकेटर्स की स्टडीज़ हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई यार, मेरे को कोर्स वगैरह नहीं खरीदना, एक और यूट्यूब पे कोर्स बेचने वाला आ गया, तो मैं अगेन आपको चॉइस देता हूँ दूसरी। यू हैव अनदर ऑप्शन, यू वॉन्ट टू लर्न हाउ एग्जैक्टली टू ट्रेड द ट्रेंड लाइन, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कैसे करना है ये नहीं बताया है। मैंने आपको बताया है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं,
तो एग्जैक्टली आपको ये पता करना है कि कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ पे एंटर करेंगे ब्रेकआउट होने पे, कहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये सारी बातें समझनी है। तो दो ऑप्शन है, या तो हमारा प्रीमियम स्टडी पैक लें या फिर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जब व्यूज़ हमारे 20,000 पहुँच जाएंगे या लाइक्स हमारे 2,000 हो जाएंगे तो मैं ये आपको फ्री में सिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें और थोड़ा इंतज़ार कीजिए मेरा, फिर से मैं आऊँगा अगले वीडियो के साथ और बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।